विराट के बघेली समाचार में हम साक्षी अपना पंचन के स्वागत करित हैं। शुरुआत करित हैं रीवा जिला के सूरा गांव से। अपना पंचन का बताए दे कि गांव सूरा के सरपंच कृष्णावती तिवारी पत्रकारन से बात करें और बताएं कि गांव सूरा सही दामन के दुकान सरकारी भवन रूरल गोडाउन में संचालित हो गई रही, जेखर देख रेख समित करत रही, लेकिन सेल्समैन संतोष कुमार गौतम काला बाजारी करे के खातिर सगली दुकानन का अपने घर में बदलना चाहत रहा, जेके खातिर सगला गरला रखवाई ली सी, जैसे सगले भवन निगरानी समिति के निगरानी में ना रह पाई ही और खूब भ्रष्टाचार करी। सरपंच कलेक्टर का पत्र दे के सगली दुकानन का सूरा के सरकारी भवन में संचालित करे की मांग की ही। आई अपना पंचन का सुनाई थे सरपंच का कहिन। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा नए वर्ष के शुभ अवसर पर। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष, कल मेरे विरुद्ध एक न्यूज़ चल रही थी और आज भी चल रही है, हमारे ग्राम पंचायत के कुछ लोग 10-20 लोग के तादाद पर कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन रूप दिए हैं और मेरी उन्होंने शिकायत किया है। शिकायत ये किया है कि मैंने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में ताला बंद कर दिया हूँ और मैं शासकीय उचित मूल्य की दुकान का राशन जो गरीबों के लिए आता है उसको मैं नहीं बंटने दे रहा हूँ। ये मेरे ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर के आरोप जो लगा रहे हैं विद्यार्थी नामदेव, दिवाकर सिंह और भगवनिया साकेत, तीन लोगों ने मीडिया के सामने आकर के मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। उस आरोप का मैं खंडन कर रहा हूँ। उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है, असत्य है। मेरे द्वारा ऐसा कहीं भी गरीबों के साथ नहीं किया गया है और ना ही मेरे द्वारा कोई तालाबंदी की गई है। हम तो अभी लगातार 2-3-4 दिन से गांव गए ही नहीं, न मैं गांव गया न मैडम गांव गई, तो ताला तो मेरे द्वारा बंद ही नहीं किया गया, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि चूंकि अभी तक हुआ क्या कि 5 महीने पहले जब पहले की सरपंची थी उस समय ये जो शासकीय उचित मूल्य के विक्रेता संतोष गौतम है, विक्रेता संतोष गौतम है लेकिन उसका संचालन उनके लड़के छोटू गौतम करते हैं और उनके साथ में एक विश्वनाथ साकेत है वो करते हैं, गांव के हैं। उनका कम तौलना, तमाम मनमानी करना, तमाम ब्लैकमेल करना, इनकी काफ़ी शिकायत आई। जब ग्राम पंचायत का नया निर्वाचन हुआ मैडम के पास शिकायत आई, बाकायदे ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया कि चूंकि अब ये प्राइवेट भवन में ना होकर के सरकारी भवन में रखा जाए। उसी तारतम्य में हमारे शासकीय रूरल गोडाउन ग्राम पंचायत में बना हुआ है, उसी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का गल्ला गिरना शुरू हो गया। लगातार 3-4 महीने से उसी में गिरता था गल्ला, उसी से बढ़ता था, कहीं किसी प्रकार से कोई अवरोध नहीं था, किसी प्रकार से कोई गतिरोध नहीं था। हाँ, इतना जरूर बात यह है कि इनको ब्लैक करने के लिए नहीं मिलता था, इसलिए कि ग्राम पंचायत की तरफ से एक हमने वहाँ बसैया लगा दिया था, भैया लाल था, निगरानी करता था, वो हमारी निगरानी समिति का सदस्य भी है और निश्चित रूप से ये शासकीय उचित मूल्य की दुकान जहाँ जहाँ स्थापित हैं एक निगरानी समिति शासन की तरफ से बना दी गई है। उस निगरानी समिति का चेयरमैन होता है ग्राम पंचायत का सरपंच, उप चेयरमैन वहाँ की उप सरपंच, पंच, कुछ हमारे अंत्योदय वाले होते हैं हितग्राही और कुछ BPL वाले होते हैं, इस तरीके से उसकी समिति होती है। हमारा केवल इतना ही कहना है कि जब हमारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान शासकीय भवन से संचालित हो रहा था तो ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने उस भवन में ना रख करके एक पुनः उसी पूर्व जगह में लेके चले गए पूरा गल्ला रखने, जबकि शिकायत बार बार आ रही थी कि दिसंबर महीने का गल्ला इनके द्वारा नहीं बांटा गया। जब नहीं बांटा गया फिर अचानक 4 तारीख को गल्ला आता है और सरकारी भवन में ना रख करके मनमानी तरीके से सेल्समैन द्वारा प्राइवेट भवन में रखा जाता है। उसकी शिकायत ग्राम पंचायत की सरपंच महोदय द्वारा सम्मानीय कलेक्टर साहब को, SDM साहब को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को, खाद्य विभाग को, फूड इंस्पेक्टर को और समिति प्रबंधक को, समिति के मैनेजर को, यहाँ तक कि DR अशोक शुक्ला जी को, सबको जानकारी दी गई। फूड इंस्पेक्टर जो हमारे विनीत मिश्रा जी हैं उनको दिया गया और
ये कि बताया गया कि इनके द्वारा गलत तरीके से वहाँ रखा गया है और सरकारी भवन से वितरण व्यवस्था बनाई जाए। ये व्यवस्था हुई, इसकी शिकायत 6 तारीख को तमाम हो जाती है, हमारे पास रिसीविंग है 6 तारीख को। और सेल्समैन द्वारा 4 तारीख को 5 बजे एक लेटर लिखा जाता है कि चूँकि सरकारी भवन में नहीं जा पा रही है रहा वाहन, चूँकि उस वाहन में 500-700 बोरी लदा हुआ है, सरपंच महोदय से संपर्क होता है। सरपंच महोदय का कहना ये रहता है कि भाई जो अन्य दुकानों का गल्ला है वहाँ पहले उतरवा दीजिए, फिर जो हमारे सूरा पंचायत वाला गल्ला हो उसको ले आ करके इसमें उतरवा दीजिए। उनके द्वारा ऐसा ना करके एक लेटर लिख करके व्हाट्सएप कर देता है ग्रुप में कि वहाँ पर वाहन नहीं जा रहा, इसलिए हमको प्राइवेट भारत प्रसाद पांडे के घर में रखने की अनुमति प्रदान की जाए। इसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच को दी जाती है और शाखा प्रबंधक मनगवा को दी जाती है, अनुभागीय अधिकारी को दी जाती है। हम आप सब लोगों के माध्यम से ये जानकारी चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अनुमति मांगा प्राइवेट भवन में रखने के लिए तो कौन से अधिकारी ने प्राइवेट भवन में रखने के लिए उनको अनुमति दे दिया, और जिस अनुमति के आधार पर उन्होंने पूरा माल ले जा कर के प्राइवेट जगह में रखवा लिए जहां से उनको निश्चित रूप से कालाबाजारी करने में मदद मिलती है। जय स्तंभ चौक में संचालित सत्यनारायण राम निवास पेट्रोल पंप का नगर निगम कोर्ट और राजस्व की टीम पहुंच के सीज कई दिन। अपना पंजन का बताए दे कि पेट्रोल पंप नजूल के सरकारी जमीन में बना है, जेखा सील करे के आदेश जिला कोर्ट दी सी। बताए दे पेट्रोल पंप के मालिक हाई कोर्ट में अपील करी सी, लेकिन हाई कोर्ट ओकर अपील का निरस्त कई दी सी। जेके बाद SDM अनुराग त्रिपाठी, नायब तहसीलदार यति शुक्ला, नगर निगम के अमले के साथ कोर्ट के कर्मचारी पहुंचे और फिर से सील कई दिन। कार्यवाही के संबंध में SDM कहिन कि यह जमीन नजूल के आए, जेखा पहले जिला कोर्ट नजूल के जमीन घोषित कई दिए रहे। आई अपना पंचन का सुनाई के अधिकारी का बताएं। आज ये मानी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आज ये पेट्रोल पंप हम लोग सील कर रहे हैं। इसमें नगर निगम और फूड की टीम हमारी इन्वॉल्व है, और इस कार्रवाई के दौरान जैसा कि पहले भी इस पेट्रोल पंप को जिला सत्र न्यायालय के आदेश से सील किया गया था, लेकिन ये अपील में गए थे और हाई कोर्ट से वापस इनके हारने के बाद मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में फैसला होने के बाद आज पुनः इस पेट्रोल पंप को सील किया जा रहा है। ये अब किसी तरीके के दूसरे आदेश यदि नहीं होते हैं और मध्य प्रदेश शासन का पक्ष यदि बना रहता है तो हम लोग निश्चित रूप से इसको बंद करके और इस भूमि को खाली करवाएंगे। रीवा नगर पंचायत मनगवा के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले राजेश कुमार विश्वकर्मा सालन से अपने आवास योजना के लाभ के खातिर एक ऐसे ओ कई बागत लागे, लेकिन उनखर आवास के लाभ नहीं मिला है। देखा शिकायत 181 में करे रहे, लेकिन एक बाद उनका न्याय नहीं मिल पावत रहा। हितग्राही यह आरोप लगाई सी कि पार्षद के द्वारा आवास योजना खातिर ओसे पैसा के मांग कीन गई रही। राजेश कुमार विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 10। अरे आवास नहीं देर लगा, कहा था कि पैसा हो तो आवास मिली, नहीं ना मिली। क्या नाम पार्षद का? सुशील कुमार गुप्ता। हमका आवास मिले, बाकी क्या हमका कुछ ना खाद्यान्न पर्ची हमारा नहीं बनी है, कहा तक के दिन हो गया खाद्यान्न पर्ची के पास, कहा था कि वो टाइम एक बताई चुनाव के पहले से हमारा फार्म जमा है, कहा था कि तुम्हारा फार्म गड़बड़ है या है हुआ है। लेटिंग वाला पैसा जमा कहे हैं, आज तक पर्ची रखी, रसीद रखी, शिकायत कराना ऑनलाइन एक बेदू पे। गरीबी रेखा पे आते हैं आप? गरीबी रेखा में हो गया, राशन कार्ड पे हमारा गरीबी रेखा में आवा था पिछड़ा में, शिकायत हम 181 में घलाए कह चुके हैं कि हमारा लेटिंग के पैसे जमा है, जो रसीद कटी रखी है मेरे पास जुआ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार विश्वकर्मा। त्योथर विधानसभा के गांव बरेती खुर्द और गांव उसकी के बीच में सुकड़ा नदी में पुल के भूमि पूजन त्योथर विधायक श्याम लाल द्विवेदी के द्वारा कीनगा। जनपद अध्यक्ष जवा रन्नू बीड़ी पांडे रही। सबसे पहले सुकड़ नदी में भूमि पूजन भा, एक बाद अतिथि के माल्यार्पण कई के जोरदार स्वागत कीनगा। हरि ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भूमा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः। बरेती खुर्द और उसकी के बीच में पुल का निर्माण होना ही चाहिए, संयोग आज बना
माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में हमने निवेदन किया, उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करके उसकी वरीती के बीच में पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया और आज उसी तारतम्य में यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऐसे सभी सशक्त कार्यकर्ता जिनकी प्रेरणा से मैं इस कार्य को मंजूर कराने के लिए मुझे प्रेरणा मिली, ऐसे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही यहाँ नएतर मार्ग जो है गढ़िया समेत और यहाँ उपाध्याय जी का घर जो है खैरहाई नएतर गढ़िया आदिवासी बस्ती से मछहिया मोड़ तक 5 किलोमीटर का मार्ग हमारा वास्टेड है, सर्वे हो गया है। अब स्वीकृति आ जाए तो उसका टेंडर हो जाएगा, टेंडर होने के बाद वो कार्यक्रम बरसात के पहले संपन्न हो जाएगा। आवागमन की सुविधा से जो ये ग्रसित था हमारा इलाका, उसको आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ओलंपिक एसोसिएशन रीवा और हैंडबॉल संघ रीवा के संयुक्त आयोजन में हैंडबॉल के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन मार्तंड क्रमांक 1 विद्यालय के प्रांगण में 12 जनवरी से 15 जनवरी तक कीन जाई, जौने में प्रदेश के 250 खिलाड़ी महिला और पुलिस व 50 अधिकारी शामिल हुई हैं। यह आयोजन के 7वां संस्करण हुई जौन रीवा खातिर गौरव के विषय आए। पत्रकारन से बात करत समय आयोजन समिति के सदस्य जानकारी दीन ही अपना पंचे सुनी या आयोजन कर लई के का जानकारी दीन गई। 19 जिलों से यहाँ पर खिलाड़ी आ रहे हैं और ये ओलंपिक संघ रीवा और हैंडबॉल संघ रीवा के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता प्रारंभ की जा रही है। ये प्रतियोगिता पिछले 7 वर्षों से 7वां संस्करण है, पिछले 7 वर्षों से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हैंडबॉल प्रीमियर लीग के नाम से ये प्रतियोगिता हम लोग करवाते हैं। इसमें एक टीम में मध्य प्रदेश के सभी जिले के खिलाड़ी इसमें शामिल रहते हैं, जैसे आप IPL वगैरह आप देख सकते हैं। और काफ़ी इसमें अधिकारी भी आ रहे हैं, 50 के आसपास अधिकारी आ रहे हैं और 250 के आसपास हमारे खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था और मैदान हमारा मार्तन क्रमांक 1 रखा गया है। यहाँ पर हमारे पास उपस्थित हैं संभागीय क्रीड़ा अधिकारी माननीय IP सर और OP दुबे सर, जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ भी यहाँ पर सलकान सर हैं। सबके सहयोग से ये प्रतियोगिता हमारा कराने का निर्णय लिया गया है। तो क्या उद्देश्य हमारा? सबसे पहला तो उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए है कि हम खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच दे पाएँ, और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, उनको हम आगे बड़े मंचों पर प्रमोट कर पाएँ, उसका लाभ भी मिल रहा है। सबकी नज़रें हमारे ऊपर रहती हैं रीवा से कि रीवा के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में हमारी 14 वर्षीय टीम और 19 वर्षीय टीम, दोनों टीमें हमारी फाइनल में मध्य प्रदेश स्तर पर खेली हैं। तो इस तरह की लीग कराने का एक यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है वो बहुत ऊपर आती है, तो ये उद्देश्य है। दूसरा एक उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को हम खेल से ही नहीं, खेल के साथ साथ उनके रोज़गार और उनकी व्यवस्था हम लोग कर पाएँ। तो जो भी हम जैसे आयोजन कराते हैं तो कई लोगों से हमारी बात भी चलती है कि हमारे खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ उनके पेट से भी जोड़ने का कार्य किया जाए, जिससे खेल हमारा बढ़े। अक्सर ये होता है कि सिर्फ खेल खेल में ही रह जाते हैं, तो खिलाड़ी बाद में बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ें जो फेस करते हैं वो ना करें, हमारा ये एक उद्देश्य है। और अगला उद्देश्य ये है कि हम बालिकाओं को की प्रतिभाओं को बढ़ाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जैसे उद्देश्य चलता है, हमारे भी एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। पिछली बार हमने 30 सम्मानित महिलाओं का सम्मान किया था पिछली बार की प्रतियोगिता में, इस बार भी हमें इस तरह का प्रयास करने जा रहे हैं। प्लस हम खिलाड़ियों को ये संदेश देना चाहते हैं अनुशासन का भी, क्योंकि बिना अनुशासन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र में आप जाएंगे, अनुशासन का उनको ये है कि अनुशासन वो सीखें। जिस तरह से अब पेशेंस कम हो गया है सुनने का और काम करने का पेशेंस देते हैं, तो नशा से लगभग हम दूरी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो वर्सटाइल उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमारे सातवां सीजन आपका ये, हाँ इस बार क्या कुछ अलग होगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ इनोवेटिव सब करते हैं जी, आपका हाँ। क्या रहेगा इस बार कुछ? इस बार हम अपने खिलाड़ियों को सुविधाओं में उनकी हम वृद्धि कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को हम उनको ट्रैक शूट वगैरह अपने यहाँ से प्रदान करवा रहे हैं, और मैन ऑफ द मैचेस वगैरह जो होते हैं तो हम उनको कैश की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमारा बजट हो पाए, जितना हमारे सामाजिक और यहाँ के रीवा से जितने भी हम लोग कर सकें
तो ये हमारा एक अलग है कि खिलाड़ी उसको पा के थोड़ा सा अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाए। और एक और उद्देश्य है ये है कि अभी हाल ही में संपन्न हो रही है प्रतियोगिता चाइना में एशियाड हैंडबॉल कंपटीशन है, तो एक ये भी उद्देश्य है कि यहाँ से जो बेहतरीन खिलाड़ी निकलें तो उस प्रतियोगिता में रीवा से भी हमारा खिलाड़ी कोई इंडिया टीम के लिए पार्टिसिपेट कर पाए। इसके लिए भोपाल से ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं इस चीज़ को कि यदि यहाँ से कोई अच्छा खिलाड़ी हो तो उसको हम ट्रायल के आधार पर उसको डायरेक्ट हम एंट्री दिला सके इंडिया टीम में। तो ये हमारा इसमें प्रशासन का नगर निगम से हमारा योगदान रहता है, जैसे ग्राउंड बनवाना है तो उनके लिए रोलर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह से प्रशासन का सहयोग है। सुरक्षा के लिए हमने आवेदन किया हुआ है सिविल लाइन थाने पर, तो इस तरह से उनकी व्यवस्था है। कितनी टीमें भाग लेंगी इसमें? 8 टीमें भाग लेंगी, 8 टीमें बालक वर्ग में रहेंगी और 8 टीमें बालिका वर्ग में रहेंगी। रुकने के लिए जैसे माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने आवेदन किया था तो उन्होंने एक पत्र निकाल के और रुकने की व्यवस्था GTC कॉलेज पे बालिकाओं के लिए रखी है और बालकों के लिए लॉ कॉलेज के लिए रखा है। पिछली बार भी प्राचार्य महोदय ने काफ़ी सहयोग किया था और माननीय प्राचार्य महोदय ने भी GTC ने भी काफ़ी सहयोग किया था। उसके लिए हमने ये भी आवेदन दिया हुआ है कि वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर महिला पुलिस पिछली बार भी थी, इस बार भी व्यवस्था की जाए। और हम अपनी तरफ से, संघ की तरफ से, हम खुद उस कॉलेज का पहले मुआयना करते हैं, साफ़ सफाई खुद हम लोगों ने पिछले बार भी करवाई थी, इस बार भी हमने बोला है प्राचार्य महोदय को, क्योंकि थोड़ा सा व्यवस्थाओं में कमी रह जाती है सरकार की तरफ से, तो उसको हम लोग फिर करने की कोशिश करते हैं। आज खातिर इतने, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रहे विराट के साथ। नमस्कार।